बालाजी ग्रुप खंडवा की एक और सौगात छेगांव माखन में बनने जा रहा है खंडवा का सबसे शानदार शॉपिंग मॉल, जो कि नेशनल हाईवे पर छेगांव से खंडवा की ओर तिरुपति बालाजी की 81 फीट की मूर्ति जहां बन रही है उसी के पास बनने जा रहा है आरजी 11 शॉपिंग मॉल। मेरा नाम कंचन इनवाती है, वाइफ ऑफ जय कुमार इनवाती। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंडवा में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ और मेरे साथ में मतलब कि जो मतलब एक कोरियर सर्विस से कॉल आया कि आपके साथ मतलब कि कोरियर सर्विस से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आपके नाम से किसी राजेश गोयल को इलीगल सामान सप्लाई किया जा रहा था, जो कि हम उसको जब्त करवा रहे, मतलब पुलिस वालों ने जब्त कर लिए हैं और उसमें आधार का आपके आधार कार्ड का यूज़ किया गया है। वो बकायदा प्रॉपर जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है वो एड्रेस के साथ में मतलब मुझे बता रहे थे कि उसमें आपका ये एड्रेस उसमें डला हुआ है, जो कि मेरे घर का एड्रेस है। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि मुझसे वो जो उन्होंने अपना नाम ऐना बताया था, वो मैडम ने जो कि CDL कोरियर सर्विस से बात कर रही है, फिर बोले हो सकता है किसी ने आधार कार्ड का मिसयूज़ करके वो जो इलीगल सामान है जिसमें RDX 150 ग्राम RDNA और 6 लैपटॉप 4 आधार कार्ड और क्या बोलते तो 6 लैपटॉप 4 आधार कार्ड और उसके साथ में मतलब पासपोर्ट भी थे, तो बोले जो राजेश गोयल के नाम पे जा रहे थे, जो कि पुलिस वालों ने उसको रख लिया था। और उसके बाद में बोला कि आपका अगर आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है, मैंने बोला कि मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड जब मेरे पास है तो उसको कोई कैसे मिसयूज़ कर सकता है, तो बोले हो सकता है आपने किसी को दिया होगा या कहीं जमा किया होगा जो लोग आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो आप साइबर सेल में, हम आपका कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं, आप उनसे बात करिए। तो उन्होंने मेरी कॉन्टेक्ट साइबर सेल में करवाया, जो कि जो साइबर सेल वाले थे जब उनने मुझसे कॉन्टेक्ट किया तो उनने सारी जानकारी मांगी थी, मैंने उनको पूरी जानकारी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप आ सकते हो तो हम मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट 1 घंटे में आकर दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में मुंबई नहीं आ सकती हूँ। तो बोले ठीक है, आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टेटमेंट देने के लिए मैं रेडी हुई, तो फिर उसके बाद जब वो ऑनलाइन स्टेटमेंट उनने मुझसे मांगा तो बकायदा जो मेरे से बात कर रहे थे, जैसे कि एक थाने जिस तरीके से पूरा थाना दिखाई देता है वो पूरा थाना जैसा दिख रहा था, हर जगह लोगो लगे हुए थे और जैसी यूनिफॉर्म होती उन लोगों ने बकायदा सारे पुलिस वालों की तरह यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और उसमें उनने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे कोई आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ कर सकता है, आपने कहीं तो जमा किया होगा। तो मैंने बोला क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट और बैंक के अलावा कहीं भी आधार कार्ड किसी को भी नहीं दिया है। तो बोले ठीक है, हो सकता है किसी ने यूज़ किया, लेकिन उसमें ये है कि आधार कार्ड आपका है तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। बोले अब आगे हम हमारे DSP से आपकी बात कराते हैं, क्योंकि केस की पूरी तहकीकात वही करेंगे। तो वो बकायदा चैम्बर में जाते हुए दिखाई दे रहा है कि वो DSP के चैम्बर में जा रहा है, और चैम्बर में जाने के साथ में पूरा जो DSP का चैम्बर जिस तरीके से होता है वो चैम्बर भी बकायदा उसी तरह दिखाई दे रहा था। और उसमें फिर उनने जो DSP था उनने बकायदा मेरे से बात की और बोला कि बोले ठीक है आपका मेरे से नाम वगैरह पूछा, फिर मैंने नाम बताया, फिर नाम पूछने के बाद में बोले कि देखिए आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ है ये तो हम कार्यवाही करने के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर बोले वो उदाहरण देने लगे कि अगर गाड़ी तुम्हारी है और एक्सीडेंट किसी और के द्वारा हो रहा है, तुम्हारे ड्राइवर के द्वारा हो रहा है, तो गाड़ी जिसके नाम पे वो फंसेगा बोले, या फिर जो गाड़ी चला रहा था वो फंसेगा। तो मैंने बताया कि गाड़ी जिसके नाम पे वो फंसेगा, तो बोले वैसे इसमें भी है कि आधार कार्ड आपका है इसलिए आप फंस रहे हो इसमें पूरी तरीके से, कि आप इलीगल तरीके से ड्रग सप्लाई कर रही हो और आप नरेश गोयल के साथ मिली हुई हो। बकायदा उनने उस आदमी की मेरी फ़ोटो भी उस आदमी की मेरे पास फ़ोटो वगैरह शेयर की और सारा सब कुछ किया। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं थे। बोले ठीक है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाओ। उस समय मेरी फ्रेंड के यहाँ पे थी मैं, तो मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं था। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैंने उनको ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाया। उस दौरान उन लोगों ने मेरी सहेली को देख लिया जो कि कैमरे में आ गई, तो बोले ये कौन है? तो मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड है। तो बोले इसका मतलब ऐसा ये भी हो सकता है कि ये भी तुम्हारे साथ इसमें शामिल हो, हम तुम्हारे कही गई बातों का भरोसा नहीं कर सकते। उस चक्कर में मेरी वजह से मेरी सहेली भी पिस गई, तो उससे उन लोगों ने इसका नंबर वगैरह ले लिया, उससे भी बात बात की। फिर उसको बोले कि तुम अपने रूम चले जाओ, अपने रूम में जाके
तुमको रहना, उनको यहाँ पे अकेला रहने दो। तो मैं पूरे रूम में, मेरे रूम में मैं अकेली थी। उनने जब मुझसे बात किया तो उनने मेरे को ये कहा कि हम आपको पूरे समय भर कल तक हमारे मतलब कि सामने रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ना आपको किसी से कॉल करना है, ना कांटेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके दरवाजे बंद होना चाहिए, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी बात नहीं कर सकते। क्योंकि वो लोग पूरे यूनिफॉर्म में थे और बकायदा ऐसे पुलिस वालों की तरह दिखाई दे रहे थे। तो मैं ये सारी चीज़ें देख के मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, और बार बार एक ही चीज़ की धमकी दे रहे थे। अच्छा। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की या किसी को बताने की कोशिश की तो वो ढेर सारी IP6 की धाराएँ बताने लगे। और एक लेटर मुझे भेजा जिसमें कि अरेस्ट वारंट था कि हम तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करेंगे जो तुम इलीगल काम कर रही हो। अगर तुम अपने पड़ोसियों को बताओगी या अपने आसपास किसी को भी बताओगी, घर का कांटेक्ट करोगी या कॉल रिसीव करोगी, तो हम सबको अरेस्ट करवा देंगे करके। और बोले हमारे अंडरकवर ऑफिसर तुम्हारे घर के आसपास ही मतलब घूम रहे हैं, इस तरीके से उन लोगों ने मुझसे कहा। और पूरा मतलब कि मतलब 8 तारीख को दोपहर के 2 बजे से लेके 9 तारीख को 12 बजे तक कंटिन्यू में मोबाइल के सामने बस बैठी थी। ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया, ना मैं टॉयलेट बाथरूम गई, मैं कुछ भी कहीं नहीं गई थी, पूरा टाइम में बैठी थी। मेरे पापा कभी भी मतलब मेरे से बात के बिना खाना नहीं खाते, लेकिन किसी का भी मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। अच्छा दीदी, कुछ पैसे की भी डिमांड करी थी या सिर्फ फोन पे अरेस्टिंग? उन्होंने पैसों की डिमांड मुझसे नहीं की थी, क्योंकि ऑनलाइन स्टेटमेंट मांगा था। तो ये हुआ था कि कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पूरे पैसे हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, और मेरे सैलरी अकाउंट में मैंने पैसे नहीं रखे थे, केवल 400 रुपये रखे थे, उससे ज़्यादा मैंने सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं रखे थे। तो उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड नहीं की कि तुम पैसे दो, पैसे की डिमांड उन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं की थी। बस वो मतलब कि कोशिश करते मेरे को वो पैसे के लिए बोलने की, लेकिन उस दौरान ये हो गया था कि मतलब मैं गेट नहीं खोल रही थी, तो मेरी दीदी घर वाले परेशान हो गए, फिर आजू बाजू जो मेरे साथ में ड्यूटी करते सबको कॉल वगैरह करने लगे, सब लोगों ने गेट ठोका, लेकिन मैं किसी का भी गेट मतलब नहीं ठोक रही थी। मकान मालिक का बेटा आया पीछे गैलरी से, वो लोग आए, उन्होंने देखा तो वो बोले कि अगर आप उनको कुछ बताओगे या कोई जानकारी देंगे तो हम तुम्हारे घर वालों को अरेस्ट करा देंगे, और जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनको भी अरेस्ट करवा देंगे। बोले आप किसी को भी कोई जानकारी नहीं दोगी कि आप हमसे बात कर रही हो करके। फिर मैंने उसको बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, ये सुन के वो लोग वापस बाहर चले गए। फिर मैंने बजाज भैया की आवाज़ सुनी थोड़ी देर बाद में, तो मैं थोड़ी सी हिम्मत करके इस रूम तक आई हूँ अपने बेडरूम से। उसके बाद में मैं जब यहाँ पे आई तो फिर भैया ने बोले कि गेट खोलो। उसके बीच में जो आंटी है मेरे पड़ोस वाली दीदी की सासू माँ, वो मेरी गैलरी की खिड़की तक आई थी, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया मोबाइल का ताकि आंटी सुने कि वो लोग मेरे से बात कर रहे हैं, ताकि आंटी आके दीदी को बताए या किसी को बताए। तो फिर आंटी ने वो चीज़ सुनी, फिर इधर इन लोगों को बोला कि उससे कोई तो भी फ़ोन पे बात कर रहा है करके। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी हिम्मत करके भैया की आवाज़ सुन के गेट को खोला, और फिर गेट खोलने के बाद में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, क्योंकि उसमें मेरी फ्रेंड फंस गई। उसको डराया धमकाया कि तुम तुम्हारी सहेली के साथ मिली होगी, तुम्हारे घर वालों को अरेस्ट करवा देंगे। तो उसने डर के कारण उसने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए थे। पैसे की डिमांड उन्होंने मुझसे ज़्यादा नहीं की, मतलब मेरे को पैसे के लिए नहीं बोला उनको। वो लोग मुझे बार बार यही बोल रहे थे कि तुमको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना है, तुमको अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की किसी को या कुछ करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी फैमिली को, जो पड़ोसी जो तुमसे बात करेंगे या तुम जिससे भी कांटेक्ट करना चाहो, हम सबको देख रहे, सारे लोग हमारी निगरानी में हैं, हम सबको अरेस्ट करवा देंगे। बोले और मुझे ये तक बोला था कि आप अपने रूम में नहीं रह सकती, आप जाके किसी होटल में रहिए, लेकिन मैंने होटल में रहने से मना कर दिया। मैंने बोला कि यहाँ पे आसपास कोई होटल भी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बैकवर्ड एरिया है ये, और यहाँ पे जितने भी होटल है सारे खाने पीने वाले लोग हैं, तो मैं किसी होटल में नहीं जाऊँगी। अगर आपको जो भी करना है, मेरे पीछे जो पुलिस वाले जितने लगवाना, आप सब जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं रहूँगी मेरे रूम में, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊँगी। इस बीच आपके मोबाइल पर कोई OTP या ऐसी कोई चीज़ भी? OTP वगैरह कुछ नहीं आया, लेकिन उस बीच में ये हो रहा था कि मैं किसी को कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने 2 बार मेरे हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद बता रहा था, जबकि उनका फ़ोन चालू था। और मतलब कि मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया, तो मैं उसको, जो उनने मेरे को अरेस्ट वारंट और जो स्क्रीनशॉट मैंने ली थी, मैंने उसको भेजने की भी कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ शेयर भी नहीं हो रहा था, और जो लोग मुझे कॉल कर रहे थे उनके कॉल भी मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी। आपका मोबाइल भी हैक कर लिया? हाँ, मतलब कि उस दौरान ना आप किसी को कॉल कर पा रहे, ना मैसेज कर पा रहे। अगर किसी का, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपनी दीदी को ही मैसेज कर देती हूँ ताकि वो किसी को जानकारी दे दे, लेकिन किसी को मैसेज भी नहीं सेंड हो रहे थे कि मैं मैसेज कर पाऊँ किसी को। पुलिस में शिकायत कर दी हमने? हाँ, मैं मतलब कि भैया ने ले गए थे SP ऑफिस में, हमने सर को भी जानकारी दी, और साइबर सेल में मतलब गायत्री सोनी मैम है,
उनके पास भी पूरी जानकारी हमने दी थी और वहाँ पे हमने कंप्लेन भी करवाया है, जिसकी पूरी आगे पूरी कार्यवाही हो रही है। क्या नाम है? कंचन। मुझे इनकी सिस्टर का फोन आया था कि वो एक दिन पहले से न खाना खाए हैं न रूम से बाहर निकले हैं। हम आए यहाँ पर, दरवाजा खटखटाया, दीदी को बहुत बोला, दीदी बहुत डरी हुई थी। दीदी ने फिर मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोला, दीदी को बिठाया, बहुत घबराई हुई थी। मोबाइल लिया उनसे हमने, मोबाइल पे वीडियो कॉल चालू था और वो पीछे पूरा लिखा हुआ था, उस पर ऐसा बना हुआ था कि पुलिस का पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ था। फिर हमने दीदी को पानी वानी पिलाया, एसपी साहब से बात करी, एसपी साहब ने गायत्री मैडम से बात कराई और हमें बोला कि एसपी कार्यालय लेके आइएगा। हम एसपी कार्यालय दीदी को लेके गए हैं। वहाँ पर दीदी जितनी डरी हुई थी वहाँ जाके पूरी खुल गई, क्योंकि जो वाक्या हुआ है वो कोई के साथ भी होगा। लगता आदमी को जरूर है कि पढ़ा लिखा आदमी ऐसा है या, पर जनरली जिसके ऊपर बीतती है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से अपील करूँगा कि जो भी ऐसी चीज़ें होती है तो अपना विवेक लगाएं, कहीं ना कहीं अपने घर वालों को पहले कांटेक्ट करें या जनरली जो इस फील्ड में जुड़ा है उससे पहले बात करें, तो ही आप लोगों आगे इस कांड से बचेंगे। नहीं तो ये बहुत आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कल मनोज राय सर ने भी मुझे बताया है, तो उस हिसाब से बहुत क्राइम आगे बढ़ चुका है। और आप लोगों के माध्यम से भी ये, आप लोगों को भी, लोगों को जागरूक वैसे करते ही रहते हो और जागरूक करना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं प्राणेश बजाज, खंडवा। एक महिला डॉक्टर आई थी यहाँ पे और उन्होंने एसपी ऑफिस में ये शिकायत करी है कि एक दिन पूर्व से उनको कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस की वर्दी पहन के ये धमकी देते हुए कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हुए कुछ लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्री खरीदी गई है और इसमें गलत तरीके से उपयोग होने से आपको ये नोटिस भेज रहे हैं। ऑनलाइन उन्होंने नोटिस दिखाया, साथ ही लगातार अगले दिन सुबह 11 बजे तक उनको डिजिटल अरेस्ट वीडियो के सामने रखा। इनसे फ़ोन पे और अन्य उनके कॉल पे के डिटेल भी लेते रहे, लेकिन महिला ने इस दरमियान कोई भी उसमें पैसे नहीं दिए। कल जब उन्होंने संपर्क किया अपने एक मित्र के माध्यम से मुझसे, तो मैंने तत्काल बुलाया और जानकारी ली, तो पता चला कि उनको उड़ीसा और पंजाब के नंबरों से कॉलिंग हो रही थी और इस तरह का गैंग पूरे देश में अलग अलग जगहों से सक्रिय है। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि पुलिस के किसी भी कानूनी प्रावधानों में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी शब्द नहीं है और साथ ही इसमें कहीं भी लीगली डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई कॉल करके, वीडियो कॉल करके अगर ये बोलता है कि उसको, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल फेक है। तत्काल उसको नंबर को स्विच ऑफ करें, ब्लॉक करें और अपने निकटतम पुलिस थाने और साइबर सेल को इसकी सूचना दें। इस संबंध में एडवाइजरी पुलिस विभाग की ओर से लगातार जारी हो रही है। कल भी मैंने एक एडवाइजरी इसमें जारी की है। 1930 एक पैन इंडिया नंबर होता है, जिसमें कोई भी अगर आपको लगता है कि साइबर फ्रॉड की किसी नंबर से आपको कोई भी कुछ कॉल करके आपसे पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहा है, तो तत्काल उस पर भी आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं। इस संबंध में पुनः मैं कहना चाहूँगा कि ये अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह से आपकी किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, बैंक द्वारा या अन्य शासकीय जितने एजेंसियां हैं उनके द्वारा आपके नाम, आपके पता, आपके कोई भी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, डिजिटली जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट से इनका कोई भी जानकारी नहीं लेता है। ऐसी अगर कोई जानकारी मांगता है तो तत्काल संबंधित स्थानीय उस एजेंसी से आप बात करें और इसको साइबर सेल से संपर्क करें। असल की पीड़िता कैसे और फंसी, क्या परिवार जनों को नहीं पता चला या फिर चंगुल से कैसे छूटी थी? कल उन्होंने फिर हिम्मत जब जुटाई 11 बजे के करीब, तो उसको बंद किया फ़ोन को और अपने ही एक परिचित को उन्होंने बताया, जो जिनके पास मेरा भी नंबर था उन्होंने मुझे तत्काल बताया। तो मैंने तुरंत ही उनको बताया कि ये बिल्कुल इस तरह का कोई लीगल प्रावधान नहीं होता है,
और साइबर सेल के अधिकारियों को मैंने जानकारी दी, जिससे उनसे संपर्क करके उन्होंने विस्तार से पूरी बात शेयर की और डर के कारण वो अपने पति को भी उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी घटना के समय शेयर नहीं की।